वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद रश्मि। और मैं हूँ रश्मि, और मैं आज मैंने आपके साथ में शेयर किया है टीनेजर मेकअप लुक। जो टीनेजर लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद करती हैं, और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में शेयर किया। और मैंने इसमें जो मैंने ये लोटस मेकअप क्रीम जो मैंने आपके साथ में इसका रिव्यू पहले दिया था, ये इसी से मैंने पूरा मेकअप अपना कंप्लीट किया है। और ये बहुत अच्छे से कवरेज देती है फेस को, बहुत अच्छे से एकदम ग्लो भी ये देती है फेस पे, और कोई ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने को आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेकअप बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है मेकअप। अगर आप चाहते हो कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में तैयार होना चाहते हो, या आप छोटे मोटे फंक्शन में तैयार होना चाहती हो, तो आप इस टाइप से आप तैयार हो सकते हो। और अगर इस मेकअप लुक को आप करते हो तो मेरे साथ में आप अपनी पिक्चर ज़रूर सेंड करें। तो अब हम करेंगे मेकअप स्टार्ट। तो हमने अपनी कर ली है स्किन केयर पहले से ही, और अब हम लगाएंगे लिप बाम। लिप बाम हम अपने लगाएंगे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, ताकि लिपस्टिक बहुत अच्छी सी ग्लोई ग्लोई दिखे। और अब हम लगाएंगे अपना प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने अपना वही लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर, ये बहुत ही अच्छा है प्राइमर है। और अब मैं अपना आई बेस तैयार करने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लेके अपने पूरे आई लिड पे स्प्रेड करूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से आई मेकअप मैं फाउंडेशन के साथ करूँगी, बाकी पूरा वेस मैं लोरियल के क्रीम के साथ में करूँगी। तो अच्छी तरीके से फाउंडेशन को मैं स्प्रेड कर लूँगी अपनी आई एरिया पे, और अपर और लोअर लैसेस की साइड में, दोनों साइड में कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना है, और जब तक पूरा ब्लेंड नहीं हो जाएगा तब तक ये अच्छा सा ग्लो नहीं देगा। तो अच्छी तरीके से इसको पहले मैं फिंगर की हेल्प से इसको जहाँ जहाँ पे मुझे लगाना है मैं वहाँ वहाँ पे लगा ले रही हूँ। इसके बाद में मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। तो अब ये है एक फाउंडेशन ब्रश जिसकी हेल्प से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, और पूरा नेचुरल लुक आ जाना चाहिए। तो इस टाइप से हम मेकअप लुक कर सकते हैं। पहले अपनी आईज़ का मेकअप लुक करेंगे, इसके बाद में अपना फुल फेस का मेकअप लुक करेंगे। तो हम देख सकते हो आप दोनों आईज़ का जो डार्क एरिया था बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट के साथ में सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और वैसे भी हमें कोई भी वेश अगर तैयार करना है, अगर अपने बेस को तैयार करते हैं, तो हम फाउंडेशन या फिर लूज़ पाउडर या फिर फाउंडेशन के वेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है सेट। और अब मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर के आई शेडो से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। और मैंने इस तरीके से दोनों आईब्रो अपनी फिल कर ली हैं। और अब मैं मस्कारा जो होता है उसकी हेल्प से अपनी आईब्रो को और भी अच्छा सा लुक देने के लिए मैं उसी मस्कारा के ब्रश को अपनी आईब्रो पे लगाऊंगी, जिससे मेरी आईब्रो और भी अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। और अब मैं एक न्यूड कलर को लेके अपनी क्रीज लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ, अपनी क्रीज लाइन पे अच्छी तरीके से मैं इसको लगाऊंगी। और उसके बाद में मैंने लिया है, यहाँ पे मेरी पिंक ड्रेस है तो मैंने लिया है पिंक कलर का आई शेडो, और उसको मैं आउट ऑफ वी पे स्प्रेड कर रही हूँ, अपनी आउट ऑफ वी पे लगाऊंगी अच्छी तरीके से। और जब तक मैं इसको लगाऊंगी जब तक मेरा मनचाहा कलर नहीं मुझे मिल जाएगा, अच्छी तरीके से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने लिया है फिर से थोड़ा सा कंसीलर, और मैं कंसीलर को लगाऊंगी हाफ आई लिड पे, जिससे और इसके ऊपर जो मैं जो भी कलर लगाऊंगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के आएगा, इसलिए मैंने इसको लगाया। और यहाँ पर मैं सिमर कलर का यूज करूँगी, अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड कर लेने के बाद में जो भी मैं इसके ऊपर कलर लगाऊंगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से शिमरी कलर अगर आप लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर जाएगा। तो मैंने इस पर लगा लिया है सिमर कलर का कॉपर, डार्क कॉपर कलर का मैं कलर लगाऊंगी यहाँ पे, मुझे कॉपर कलर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है डार्क कॉपर कलर का आई शेडो, शिमरी आई शेडो।
इसी तरीके से मैं अपनी दोनों आईज़ को कंप्लीट कर लूँगी और दोनों आईज़ एक जैसी लगें इसका ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से आप दोनों आईज़ को आप कंप्लीट कर लो। ये लुक बहुत अच्छा लगता है आई का। इसी टाइप से आप अगर कट क्रीज़ बनाना चाहते हो तो आप कट क्रीज़ भी बना सकते हो और इसको मैं अच्छी तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन विजुअल ना हो और मैं उसी फिर कलर को लेके फिर से मैं अपने क्रीज लाइंस को फिर से सेट करूँगी ताकि कोई भी अलग अलग से कलर दिखाई ना पड़े आईज़ पे। तो इस टाइप से आप दोनों आईज़ को सेट कर लो। इसके बाद में हाइलाइटर अपनी आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगा लीजिए और अब मैं लगाऊंगी काजल। तो मैंने लिया NYV का काजल। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक काजल है, बहुत सुंदर मतलब आईज़ बना देता है। तो थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है और इसके बाद में मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लूँगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो तो वो निकल जाए और मेरी आईज़ बाद में काली काली सी ना हो, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया है। और अब मैं लगाऊँगी NYV का आईलाइनर। तो मैं आईलाइनर लगा लूँगी। ये आईलाइनर गाइस बहुत अच्छा है, एकदम मक्खन की तरह लगता है। अगर आप न्यू हो, बिगनर हो तो आप इस आईलाइनर को बाय कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आईलाइनर है और लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता है और इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा होता है जो आईज़ पे एकदम से मक्खन की तरह ये स्प्रेड हो जाता है। तो इस टाइप से मैं अपनी दोनों आईज़ में लगा लूँगी। अब बारी आती है मस्कारा की। तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लगाया है और आप अपने अपर लैसेस एंड लोअर लैसेस में दोनों साइड में लगाओ जिससे आंखें बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं और बहुत सुंदर भी लगती हैं। तो मैंने अपर और लोअर लैसेस पे अप्लाई कर लिया है और बहुत अच्छा सा आँखों का एक अलग से ही अच्छा लुक हो जाता है। तो इस टाइप से मैंने कर लिया है और अब मैं पूरे वेस को तैयार करने के लिए इस लोरियल मेकअप क्रीम की मैं का यूज करूँगी। तो अब मैं देखना आप कितना थोड़ा थोड़ा सा इसका प्रोडक्ट लगता है, बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लगता है और बहुत ही अच्छा सा फेस पे ग्लो दे देता है। अगर आप विंटर में इसका यूज करते हो तो आपको कॉम्पैक्ट से सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छा सा ग्लोई मेकअप दे देती है, ग्लोई लुक बना देती है, ग्लोई बेस तैयार कर देती है। तो आप देखना मैंने इस तरीके से फिंगर से लगा के और अपनी फिंगर से पूरे पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर लिया अच्छी तरीके से इक्वल। तो इस तरीके से स्प्रेड करने से क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो पूरे में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है और अच्छी कवरेज भी देता है। तो मैंने ऐसी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड किया है और भी इसने बहुत अच्छी कवरेज दी है। जहाँ इसमें इस मेकअप लुक में मैंने कोई भी फाउंडेशन और कोई भी कंसीलर का यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसी क्रीम का यूज किया और ये बहुत अच्छी कवरेज दे रही थी। जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं या फेस पर जरा सा भी कोई भी दाग धब्बे होते हैं ये सबको ब्लेंड कर देती है बहुत अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में जब तक हम बेस को उस कॉम्पैक्ट से सेट नहीं करते हैं तब तक वो अच्छा टिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया और अब मैं अपने ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लश को अप्लाई कर लिया। ये बहुत सटल सा लुक दे रहा था मेरा ब्लश। मैंने ज़्यादा ब्लश को अप्लाई नहीं किया है क्योंकि ये टीनेजर मेकअप लुक है और ये टीनेजर गर्ल्स के लिए है। तो इस पर ऐसे आपको मतलब ब्लश इतना लगाना है कि एकदम सटल सा लुक दे और आपके चीक्स बहुत सुंदर लगे लेकिन ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप थोप लिया हो। तो इस टाइप से आप लगा लो। और अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर क्योंकि हाइलाइटर के बिना मेकअप बेस अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने लगा लिया है हाइलाइटर। जिस एरिया को मुझे हाइलाइट करना है वहाँ वहाँ मैंने सारी जगह पे लगा लिया है हाइलाइटर और बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ लेकिन लिपस्टिक मेरी थोड़ी सी मेरी ड्रेस से डार्क शेड में थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लेके और अपने लिप्स पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया। अब ये आप देख
देखना कि ये लिपस्टिक का कलर मेरी सेम टू सेम ड्रेस का कलर बन जाएगा। और अब मैं इसको इस पर अपनी लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी और ये बिल्कुल सेम वही कलर बन गया था जो मेरी ड्रेस का कलर था। अगर आपके पास भी कोई डार्क कलर की लिपस्टिक हो और आप उसको लाइट करना चाहते हो तो ये हैक आप के काम आने वाला है। और मैं आप लगाऊँगी ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सल और ये सेटिंग स्प्रे है। आप अपने वेस को सेट कर सकते हो इससे अच्छी तरीके से। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया और ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने ज्वेलरी डाल ली है और मैंने बैंगल्स डाल ली हैं। और आप बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। और ये बिल्कुल सिंपल सा है। मैं बिल्कुल दो तीन आपके पास अगर मेकअप प्रोडक्ट है तो आप उससे भी यूज करके भी आप ये मेकअप लुक कर सकते हो। और ये बहुत सुंदर सा मेकअप लुक मैंने किया है। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, एकदम ग्लो बहुत अच्छा दे रहा था और ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाय फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक? अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। और मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से न्यू अपडेट आपको देती रहूँगी। आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय।